अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत होंगे। आज की जो हमारी वीडियो है वो है यूएसए क्रिकेट टीम के बारे में। यूएसए एक ऐसा मुल्क जिसमें पैसे की कोई कमी नहीं, लेकिन फिर भी उसकी क्रिकेट टीम आज तक टॉप रैंकिंग में क्यों नहीं आ सकी, और इतना बजट देने के बावजूद उनके प्लेयर इतना अच्छा परफॉर्म क्यों नहीं कर सके, ये सब हम जानेंगे आज की वीडियो में। वीडियो को एंड तक देखना, लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कर देना। यूएसए क्रिकेट टीम, अगर आप इनकी टीम पर नज़र डालें तो आपको पता चलेगा कि इनके जो मेन प्लेयर्स हैं वो आउट ऑफ कंट्री के हैं, मतलब यूएसए के नहीं हैं, इंडिया के हैं या बाकी ममालिक के हैं, और इनका जो कैप्टन है वो भी इस टाइम इंडियन है। और अगर आप इस टाइम देखें तो जो टॉप रैंकिंग में जो टीम्स हैं उन सब के जो प्लेयर्स हैं वो अपने मुल्क के हैं, तो जो उनमें जो शौक है, उनमें जो जज्बा है, वो अपने मुल्क के लिए जो खेलने का जज्बा है वही उनको आगे तक लेकर जाता है। और ये मेन रीज़न है कि इस टाइम अमेरिका की टीम इतना बजट देने के बावजूद भी टॉप रैंकिंग में नहीं आ सकती। और अगर उनमें उनके प्लेयर्स अपने हों और उनको खेलने का शौक़ हो, क्रिकेट का शौक हो, तो ये मुमकिन नहीं कि वो आगे ना आ सके। यूएसए क्रिकेट टीम इस टाइम ODI रैंकिंग में 17 नंबर पर है और T20 रैंकिंग में 26 नंबर पर। इतना बजट और इतनी सैलरीज देने के बाद भी वो टॉप रैंकिंग में नहीं आ सकी। इसके अलावा जो दूसरी बड़ी वजह है वो है पब्लिक इंटरेस्ट। पब्लिक इंटरेस्ट, यूएसए जो सिटीजन्स हैं, यूएसए के जो सिटीजन्स हैं उनको इतना इंटरेस्ट क्रिकेट में नहीं है, और ये बहुत बड़ी वजह है जिसकी वजह से यूएसए क्रिकेट टीम उस तरह तरक्की नहीं कर पाई जिस तरह बाकी मुल्क में तरक्की हुई, पाकिस्तान, इंडिया, इवन बांग्लादेश। और अगर देखा जाए तो ये क्रिकेट टीम 1965 में लॉन्च की गई, और हमें उम्मीद है कि यह क्रिकेट टीम बहुत जल्द टॉप रैंकिंग में आएगी। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।